हेलो, गुड मॉर्निंग की हाल। आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। आप सबका बहुत बड़ा कॉमन क्वेरी था कि कैसे लगाते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मैं आपको अपने फायर्स के अकाउंट का अभी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट के लाइव वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये ट्रेड चालू ही है मेरा, तो मैंने एक्चुअल में ये ट्रेड 325 क्वांटिटी से लिया था और ये अपने प्लेटिनम मेंबर्स को भी दिया था। मैंने 325 क्वांटिटी से लिया था, मेंबर्स को भी दिया था। मैं आपको पहले ट्रेड दिखाता हूँ। तो ये मेरा वो ट्रेड था बैंक निफ्टी का, हमने लिया था 953 पे, ठीक है, 370 के आसपास बाय किया था मैंने और दो पार्ट्स में करना था। अगर गिरता तो ऐड करना था, पर गिरा ही नहीं, सीधा चला गया। टारगेट 450 एंड 500 एंड 550 के थे। अब देखिए 953 का मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको चार्ट लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए 953 था ये है, दिस इज़ 953। इसके तुरंत बाद, मेरे मैसेज करने के 2 मिनट बाद ये होना शुरू हुआ, बूम 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 बूम, एंड नाउ इट्स स्टिल गोइंग अप एंड अप एंड अप। अब मैंने 325 क्वांटिटी ली थी, बाकी मैंने बुक कर ली हुई है क्योंकि मेरा 450 का पहला टारगेट था, वो आ गया। बट हु नोज, ये 500 जाएगा, 550 भी जाएगा, 1000 जाएगा, हु नोज। इट्स ऑलवेज गुड कि हम कुछ क्वांटिटी को ट्रेल करें हमेशा। मेरे पास निफ्टी में भी कुछ ट्रेड पड़ा हुआ है और मुझे अच्छा खासा एक सुबह प्रॉफिट हो गया। डिप आएगा, दोबारा लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा काम करूँगा, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इसमें सिस्टम में डाल के आपको दिखाऊंगा कैसे आप ट्रेल कर सकते हो। तो जनरली मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, आपको भी वही करना चाहिए। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अच्छा रूल होता है कि आप पिछले कैंडल के लो के नीचे रख दो अपना स्टॉप लॉस। जैसे आप देखोगे यहाँ पे पिछला जो कैंडल है, सिंपल सा रूल अगर आप बोलो तो यही है कि भाई, या कोई राउंड लेवल नियरेस्ट जो आपको लगता है उस पर रख सकते हो, कोई सपोर्ट दिख रहा है आपको चार्ट पे आप वहाँ रख सकते हो। तो आपको दिखेगा यहाँ पे चार्ट पे एक रेजिस्टेंस काइंड ऑफ लेवल था ये, और यहाँ पे इसका वैल्यू है 419। और उसके अलावा अगर हम पिछले कैंडल की बात करें, पिछले दो कैंडल्स तो कुछ खास नहीं है, उससे पहले वाला जो मेजर कैंडल है वो ये है, ये तो मैं 430 के लेवल पे रखने की सोच रहा हूँ। तो मेरे को सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे राइट साइड में प्लस का बटन है, इस पर दबाना है, सेल को दबाना है, एंड मुझे यहाँ पे ट्रिगर सेल को सेलेक्ट करना है, ठीक है, मार्केट नहीं, मार्केट को अनसेलेक्ट करना है, ट्रिगर सेल करना है। मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस रखूँगा 432 एंड अपना सेलिंग प्राइस रखूँगा 430 एंड मेरी क्वांटिटी है 75, तो ये 75 और ये हो गया सेल। अब ये मेरा यहाँ पे ट्रिगर ऑर्डर लग गया है, यानी कभी भी अगर ये ट्रेड मैं कहीं चला जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, कोई आपसे वीडियो बना रहा हूँ, कोई और काम कर रहा हूँ, कभी भी ये ट्रेड ऊपर जा रहा है जाता रहेगा, बट अगर ये ट्रेड नीचे आया और 432 का ट्रिगर इसने ट्रिगर किया, तो 430 जो मेरा स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया है वो आते ही खुद से कट जाएगा। अभी सपोज़ ये थोड़ी देर बाद ऊपर चला गया, मान लीजिए ये यहाँ से थोड़ी देर में मूवमेंट आ गई और ये और 500 समथिंग पहुँच गया और मुझे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अब चेंज करना है, तो आई कैन ट्रेल इट कैंडल बाय कैंडल। मेरा सिंपल सा रूल है, 10% मिलते ही मुझे ऑप्शंस के अंदर मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने कॉस्टिंग के ऊपर लगा देता हूँ। ये तो एक अच्छा गेन मिल गया यहाँ पे, लगभग 20% का। बट अगर सोचिए 370 पे लिया मैंने और मुझे 420 तक भी दिख गया, 10% से ज़्यादा हो गया मेरा इस कैंडल में काम, आप समझ सकते हैं। तो मेरे को अभी उसके बाद कोई रिस्क नहीं लेना, उसके बाद कभी कभार ऑप्शन वापस आते, एक तो चढ़ा एंड देन गिर गया, एंड लोग नुकसान खाते हैं एक विनिंग ट्रेड में भी। मेरे को वैसा नहीं करना होता। अगर मेरा ट्रेड चल गया, उसके बाद वो नीचे आ रहा है, मेरा स्टॉप लॉस एट या लिटिल बिट अबव कॉस्ट रहता है ताकि ट्रेड में कोई खतरा ना रहे। सो आई वॉज टेलिंग कि कैसे आप इसको यहाँ पे, मैं इस ट्रेड को अभी शिफ्ट कर सकता हूँ। मुझे सिंपल है, फायर्स में तो बहुत ईजी ऑन स्क्रीन ट्रेडिंग है, आपके प्लेटफॉर्म पे थोड़ा अलग हो सकता है। मुझे सिंपल इसको पकड़ना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सपोज मुझे नया ट्रिगर रखना है यहाँ पे 435 पे, या फिर मुझे रखना है इस कैंडल के नीचे 445 पे, एग्जांपल दे रहा हूँ। सिंपल मुझे ड्रैग ड्रॉप एंड मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा, मेरा ट्रिगर प्राइस चेंज हो जाएगा। तो फायर्स में इतना ईजी है। मुझे मान लीजिए अपने ट्रेड को क्लोज करना है, मुझे इसको इस क्लोज पोजिशन को क्लिक करना है एंड दैट्स ऑल। मुझे और ऐड करना है, मुझे ग्रीन बटन को दबाना है, इस ब्लू बटन को दबाना है, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी बाय हो जाएगी। मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकता हूँ, जैसा कि मैं बोलता हूँ आपको कि लिमिट पे बाय करना चाहिए, लिमिट प्राइस पे भी कर सकता हूँ। सपोज मुझे बाय का ऑर्डर लगाना है और 410 पे, कि भाई 410 पे आए तो मेरे को और लेट से 170-200 क्वांटिटी मिल जाए, तो ये मेरा नीचे के प्राइस पे और बाय ऑर्डर लग गया। तो इस तरह से ट्रेड को आप राइड कर सकते हो विद अटमोस्ट सेफ्टी बाय हैविंग अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वंस यू आर इन प्रॉफिट, जस्ट पुट अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सो दैट यू आर इन जॉब, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर डूइंग समथिंग एल्स, ट्रेड डजेंट बॉदर यू, कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, एंड ट्रेड अपना काम खुद करे। सो वंस यू आर इन प्रॉफिट, देखिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ओवर रखते हैं लोग ऑप्शंस के अंदर, लेकिन ऑप्शंस में आपको समझिए कि अगर आपका 100 का ऑप्शन 115 हो गया, आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं लग सकता, बट दिस इज स्टैगरिंग 15% रिटर्न, 15% रिटर्न आपको कोई स्टॉक से मैं पूछूं तो एक साल में मिल जाए तो भी आप कहते हो अच्छी बात है यार। FD म्यूचुअल फंड आपको
5-10% के बीच का रिटर्न देते हैं जनरली एक साल में। तो यहाँ पे आपको कुछ मिनटों में अगर ये रिटर्न मिल रहा है जो आपको एक साल में मिलता है किसी और फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में, इट्स वेरी गुड। सो अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, आई कैन सिंपली ट्रेल माय स्टॉप लॉस। मैं अपने स्टॉप लॉस को अब यहाँ पे लेके आ सकता हूँ 445 पे लेट से। तो मेरे को पहले अपना ट्रिगर प्राइस को चेंज करना है एंड देन इसको थोड़ा सा ऊपर और अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करना। अगर आप फायर्स में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, मेरी तरह ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपको पेटीएम मनी का भी अकाउंट का लिंक मिलेगा, उसमें भी सेम आपको ऑन स्क्रीन ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है। तो ये ऑन स्क्रीन ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग को काफ़ी अच्छा, काफ़ी आसान, काफ़ी ईजी बना देता है। चेक इट आउट। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा आपने। लर्निंग इज अर्निंग। थैंक यू। अरे बाय द वे, आपने ऐसा क्यों सोचा कि वीडियो ख़त्म, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और आपने दिवाली की शॉपिंग कर ली होगी, आई होप, दो दिन बाद दिवाली है। मगर अगर आपने नहीं करी, स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, तो दिवाली पे क्या लेना है, मोरो ट्रेडिंग पिक्स, बेहतरीन स्टॉक्स अगले साल के लिए, पोर्टफोलियो पिक्स, उसके वीडियो का लिंक आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको देखिए। और सीखना है तो और वीडियोज़ के लिंक भी आ जाएंगे जब वो वीडियो ख़त्म होगा। जानकारी को और बढ़ाइए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जाइए।